हे भगवान, आज ये खाने में हमारा धर्म पत्नी जी क्या बना रही है जो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरे को तो सोचेंगे आपको भी का लुक तो सुबह से ना थोड़ा उसको भी चलिए बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए, आज के वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। पहले वाला ब्लॉग में आप लोग बहुत कन्फ्यूज हुए थे क्योंकि हम लोग हंसी मजाक का वीडियो बनाए थे, सब अपना बताए थे रियल जो भी था। तो हम लोग सोचे कि आप हमारा यूट्यूब फैमिली देख के बहुत खुश होगी, हंसेगी, लेकिन थोड़ा आप लोग को गलत लगा हो तो इस वीडियो में क्षमा चाहते हैं। चलिए, आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा खास होता होने वाला है, तो फुल वॉच करके एंड तक देखें हम लोग। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू। हे भगवान, आज ये खाने में हमारा धर्म पत्नी जी क्या बना रही है जो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। स्पेशल तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हुआ है। इधर देख सकते हैं मक्का कल भूज के रखेंगे, और ये है चावल, और उधर भूज कर रखी है, और बहुत चीज स्पेशल बनाने वाली हैं। तो चलिए इनको पहले बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं ऐसा क्या स्पेशल चीज बनाई है। हम लोग चल रहे हैं क्या काम करने, वीडियो में बने रहिए। दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत सपोर्ट किए। एक कमेंट आया था निगेटिव, कुछ गलत बोली थी सिस्टर, ऐसा मत बोलिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप हमारा यूट्यूब फैमिली है, ब्लॉग देखती है, कुछ आपसे सपोर्ट हमें मिलता है, हम कुछ बनाते हैं तो उससे आप लोग को मनोरंजन होता है। अब बस दुनिया में यही है कि अपना जीवन में खुश रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और अपना मेहनत करके अपना जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम तो यही सोच ले कर चलते हैं। शुरू से जब इतना से इतना हुआ है तो कुछ दिन और सही, आपका जो मनोकामना है वो जरूर पूरा करेंगे हम लोग। चलिए अभी निकांति जी, देखिए फरर फरर आवाज़ आ रहा है जी। ये कुछ स्पेशल डिश बनने जा रहा है दोस्तों, ये दिखेगा आपको थोड़ी देर में। अभी तो फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से मकई जो इनके मायके से आया है ना जी, यही वाला है। अच्छा, इनके मायके में भी कहीं और से आया है दोस्तों, मुझे पता है। जो इनकी भाभी है ममता देवी जी, वो अपने मायके से लेके आई थी, क्योंकि उधर मकई का खेती ज़्यादा होता है, ऊंचा गांव है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने आदमी को मक्का का भुजा खाना पसंद है। आप देख सकते हैं अभी कुहासा अभी से आना शुरू हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। ये लाइट अब खोलेंगे, आज तो अंधेरा हो गया, कल खोल लेंगे। इसको बढ़िया से रख देंगे। तो सुबह से ना थोड़ा हम लोग ये वाला काम नहीं कर पाए क्योंकि बड़े पापा आए थे किसी काम से, वो पर्सनल हमारा मैटर था, इसीलिए थोड़ा हम लोग किसी और काम में उलझ गए थे हमने गांधी जी। चलिए अभी ये वाला काम जितना हो सके उतना करते हैं, बाकी इतना तो हो गया है। अभी ना ज़्यादा ही काम है दोस्तों, इसीलिए हम लोग छोड़ रखे हैं, क्योंकि कोई भी काम करेंगे इसको खा लेते हैं। क्योंकि इसका मिट्टी एकदम यही हो जाएगा तभी इस पर आलू अच्छा से बैठेगा। चलिए एक बार और खा लेते हैं, क्योंकि इसको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं खादर की, आलू की बिया देख सकते हैं 40 रुपया किलो है, हम लोग ले आए थे 30 रुपया किलो छठ के पूजा के दिन। और इसमें जो खेती हो रहा है वो वाला तो नागांती जी अपने मायके से लाई थी, क्योंकि ना वहाँ पे जो आलू की खेती होता है तो उसमें से जो निकलता है ठंडा घर में रखा जाता है, रोपने के टाइम उसी बिया को फिर इस्तेमाल होता है। हम लोग तो इसको लगा रहे हैं, हरी हरी सब्जियाँ, आलू भी लगा दिए और प्याज भी लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों कितना सुंदर सब्जी हो रहा है हमारे यहाँ, हर एक चीज़ तो बोई दिए। और एक बार और बता दो सिस्टर, ये भी काम ही है हम लोग का, किसान हम लोग को समझिए आप, प्लीज नेगेटिव कमेंट ना करिए, हाँ जोर के भूलती है इन्जॉय करिए, एक दो शब्द अच्छा ना लगे कुछ बताइए कमेंट में, हम सुधार करेंगे। लेकिन आप एक ही रख लेकर रखिए, ये कहीं नहीं जाएगा, मऊगा है, कितना गलत शब्द, इन सब
नहीं करते क्योंकि हो सकता हमारा कमेंट कहाँ कहाँ हमारे यूट्यूब फैमिली पढ़ते हैं। बताइए आप जो लिखेंगी वो कितने आदमी पढ़े होंगे, क्या सोचेंगे? मेरे को तो सोचेंगे, आपको भी सोचेंगे, क्योंकि कोई भी सब निगेटिव तरीका से लिखा था, हमें से कोई कमी दिख रहा हो, ज़्यादा कमी दिख रहा हो तो अनसब्सक्राइबर करके आप नहीं देख सकती है, वो भी आपके हाथ में है, लेकिन निगेटिव कमेंट बहुत अलग है। अब इसमें जो भी एक एक ढेला दिख रहा है उसको लापता से बुक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे किस तरीके का था दोस्तों, एकदम बैठा हुआ, क्योंकि पाइप से पानी मार मार के कभी इस पर आप बच्चे यहीं पे नहाते थे, उसको भी हम लोग कितना सुंदर बना दिए कुदाल से, सोचिए। से फोड़ दे रहा हूँ, कोई काम करेंगे तो भी फल मिलना निश्चित है, कुछ नहीं करेंगे इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसी पड़ा रहेगा जमीन, और इस पर लगा देंगे। रही बात पढ़ते जाने की, बात तो हो रही है, कुछ पैसा की व्यवस्था होता है और काम का जाएंगे आपको वहाँ का भी शेयर कराएंगे, और जॉब मिलते ही काम भी करना शुरू करेंगे, जो आप लोग को देखते बहुत अच्छा लगे। कोई भी आदमी तो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उतना ही में खुश रहना तो कह नहीं सकते, आदमी को आगे बढ़ने का सोचते रहना चाहिए, हम भी सोचते हैं, लेकिन वक्त हालात देखे हैं हम लोग का, कहाँ से कहाँ लाया है, इतना दिन से अभी यहाँ तक चल रहा है, तो हबड़ा के कोई भी कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हबड़ा के कोई भी कदम उठाना नुकसान साबित हुआ है हम लोग के जीवन में, तो उससे थोड़ा क्या हुआ है कि हमारा अंदर एक डर भी है कि फिर दोबारा कभी नुकसान ना हो, क्योंकि एक एक पैसा जोड़ के हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, सुविधा भी बना रहे थे, धान भी उगा दिए, गेहूँ भी रखा है, सब्जी बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरी, प्याज और लहसुन तो अभी लगा ही दिए हैं, बाकी सब लगाएंगे। इसमें कमेंट करिए सिस्टर के, भैया ये सब्जी लगाइए, वो सब्जी लगाइए, कितना अच्छा लगता है। अभी हमारे YouTube फैमिली में से एक आदमी कॉल किए थे, भैया पालक जरूर लगाइएगा हरी हरी, और कोई भी सब्जी में तो बना सकते हैं, ज़रूर लगाएंगे, और ख़ास करके सरसों तो ज़रूर छींटेंगे इसमें, क्योंकि सरसों ना साग बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, मक्का के साग, मक्का का रोटी, सरसों की साग, फिर वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रोटी का डायलग है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मच्छर भी हो गए लोग, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर अभी बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं, मुझे लगता है इधर आलू लगाना भी उचित नहीं है, होगा ही नहीं, बहुत पीला पीला पन है। चलिए दोस्तों इसको तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आज आलू लगा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बोरिंग दिखने लगेगा आप लोग को, काम कर लेते हैं, छोटा छोटा खेला उसको भी। आ इधर देख सकते हैं हमारे धर्मपत्नी जी, बाप से कितना ज़्यादा खाना है, बहुत मोसर काट रही है, नीम का पत्ता किधर है? चलिए थोड़ा सा इसको खा लेते हैं, क्योंकि ना दोपहर में खाना नहीं बना था दोस्तों, सुबह वाला खत्म हो गया था, तो अभी इसको खा लेते फिर शाम को
अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 5:30 हुआ, 9 बजे तक आदमी खाना खाता है। इसको खा दिया जी दोबारा, सही है ना? फिर उसमें या काट कर रखते हैं वहाँ से। हाँ हाँ वो थोड़ा तो गीला गीला है ना। चलिए आइए दोस्तों, आइए दोस्तों आप लोग भी मक्की और चावल का भुजा खा लीजिए। तो अभी कुछ इस तरीके से शाम के टाइम का मौसम का लुक है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे सपनों का घर का लुक। और ये मैं इसीलिए दिखाया कि कल ये लाइटिंग में खोल दूंगा और आप लोग भी कमेंट बताइएगा इसको, क्योंकि खोल कर सेव करके रख देंगे, अगला साल काम आएगा दीपावली पे। कभी कभी नगांती जी को पता ना क्या सूझता है, ये देख सकते हैं। सूझता नहीं है, मेरे बच्चे ने बोला है मम्मी मेरे को पड़किया खाने का मन कर रहा है। अच्छा, कोई पड़किया कहता है, कोई गुजिया, गुजिया इसी को कहते हैं ना? अच्छा अच्छा, हाँ तो गुजिया और पड़किया दोनों एक ही है। हम लोग भोजपुरी भाषा में पड़किया बोलते हैं और हिंदी भाषा में गुजिया बोलते हैं। तो कितना सुंदर देख सकते बना रही है, हाँ एकदम नॉर्मल गैस करके के जले नहीं, देख सकते एकदम वाइट वाइट है, फिर भी ये कुछ जल गया है जी, हल्का हल्का। अच्छा ये वाला देखिए, ये वाइट वाइट है ना, दो कलर के बनाती हूँ। अच्छा जी, इसको इधर देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं? इन लोग का ना स्टैंड बनाना जरूरी है, वो देख सकते किस तरीके से पढ़ रहे। कोई नहीं, देखता हूँ कुर्सी पे बैठ के आज जो टेबल, हाँ वो मैं खरीदेंगे। तो बताइएगा आप लोगों में से किसको किसको खाना पसंद है गुजिया, देख सकते कितना सुंदर, इतना सुंदर फूल रहा है। अरे तो चलिए अभी दोस्तों गुजिया बना लेते हैं, उसके बाद अभी खाना भी बनाना है ना जी। इसी सब्जी है ही है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं फाइनली बन के रेडी हो गया, थोड़ी सी बचा है उसको भी चलिए बना लेते हैं, देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, आजकल व्यूज बहुत कम आ रहा है, हो सकता है हमारा यूट्यूब फैमिली कहीं व्यस्त हो, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अपना जो भी मेहनत करते हैं उसी पे आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार देते हैं, हम उसी ब्लॉग बनाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जो ब्लॉग बातों की बना दिए थे तो कमेंट जो आता है तो हफ्ता 15 दिन में जवाब देना भी सीखे हैं कि कमेंट द्वारा एक ब्लॉग बनता है, जो दोस्तों हम यूट्यूब जानते ही कि किस तरीके किस हालात पे हम लोग बनाना ब्लॉग शुरू किए ना जी, नगर जी। हाँ तो जितना सीखे हैं उस तरीके का हम लोग ब्लॉग बना देते हैं और उसमें आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग को सीख मिलती है, हम लोग गलत नहीं समझते हैं, गलत मानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पे थोड़ा तरस खाइए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, काम के बाद दिखाइए उसी में हम लोग का कितना अच्छा जीवन कट रहा है वैसी कटे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा ऑल यूट्यूब फैमिली खुश रहे और अपने जीवन में एकदम हैप्पी रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद।